घटना तब की है जब हमारे गांव में तरह तरह की आए दिन घटनाएं हुआ करती थी, जिन घटनाओं के कारण हम सभी गांव वाले परेशान रहा करते थे। सभी का मानना था कि ये सभी आत्माएं और काला जादू और डायन विद्या का खेल है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस कारण मुझे आए दिन घर पर काफी डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन ये सच था कि दिन पर दिन हमारा गांव काफी अजीब सा होता जा रहा था, साथ ही साथ लोगों के मरने की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से लोग और दहशत में रहने लगे। उस समय गांव वाले रात में तो क्या, दिन को भी संभल संभल कर अपने घरों से बाहर निकलते थे। उस वक्त हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा लगने लगता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक रात मैं काम से जब घर वापस लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे पापा शाम को खेत में गए थे और अभी तक खेत से वापस नहीं लौटे। माँ की बात सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय रात के 8:30 बजना यानी काफी रात। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, वक्त तो काफी हो गया है, मगर पापा अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये सोचकर मुझे भी काफी चिंता हो रही थी। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे टॉर्च दे दीजिए, मैं पापा को देखकर आता हूँ। इस पर मेरी माँ का चेहरा एकदम से उतरने लगा। एक तो मेरे पापा की चिंता, ऊपर से मुझे इतनी रात गए खेत में अकेले जाने देने की चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जिसके बाद मैंने टॉर्च लिया और माँ को आता हूँ बोलकर खेत की तरफ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही आसपास का माहौल देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि आसपास का माहौल एकदम वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक पूरे इलाके में मुझे मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मानो इंसान तो इंसान, जानवर भी गांव में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से डर रहे हो। खैर मैं वहां और समय जाया ना करके आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, ऊपर से अमावस की काली रात होने की वजह से आसमान पर चांद का कोई नामो निशान नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की रोशनी नाम मात्र के रूप में ही मालूम पड़ रही थी। मुझे उस समय भूत प्रेत का तो डर नहीं लगता था, मगर शियारों से तो जरूर डर लगता था, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में शियारों का भी बहुत आतंक था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही झिंगुरों की आवाज़ें भी मुझे काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर मैं किसी तरह घने अंधेरे को चीरते हुए अपने खेत के करीब पहुंचा, मगर वहां दूर दूर तक मेरे पापा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो अपने खेत में पापा को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर मेरे पापा गए तो गए कहाँ। मैं काफ़ी हैरानगी भरी नज़रों से पापा को इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहीं नहीं दिखे। जिसके बाद मैं पापा को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। खेत के अंदर वाला रास्ता और भी ज़्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था, ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढे भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे काफी दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर मुझे पता चला कि वो रोने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की है। पापा के रोने की आवाज को सुनकर मैं और भी ज्यादा सहम गया कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या,
उस आवाज को सुनकर मुझे पता चल रहा था कि वो आवाज शमशान की तरफ से आ रही है। मगर पापा इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे अपने पापा की इतनी चिंता हो रही थी कि मेरे पैर खुद ब खुद काफी रफ्तार से चल रहे थे। चलते चलते मैं शमशान के करीब पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचते ही वो रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई। पूरा शमशान काली रात के अंधेरे में काफी डरावना दिख रहा था। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैं चलकर शमशान के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगा। अभी मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे मेरे पापा बैठे हुए दिखे। तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज्यादा खुश भी कि मुझे मेरे पापा सही सलामत मिल गए। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये सिर्फ मेरे मन का भूल है। खैर, पापा को देखकर मैं पापा की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे पापा अपने सर को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे जिससे उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मगर उनके शरीर और कपड़ों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि यही मेरे पापा हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? इस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल हुई। इस पर मैंने दोबारा पापा से कहा, पापा क्या हुआ आपको, चलिए घर चलिए। लेकिन इस बार भी पापा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। साथ ही साथ मेरे चेहरे पर दो पल के लिए जो मुस्कान आई थी वापस से वही मुस्कान परेशानी में बदल गई। पापा से कोई जवाब ना मिलने के बाद मैंने अपने हाथ को पापा के कंधे पर रखा तो पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा। क्योंकि पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरा हाथ उनके कंधे के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान के शरीर से हाथ आर पार कैसे हो सकता है? अभी मैं काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक पापा ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उनका चेहरा देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से अलग जला हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो ना तो मेरे पापा हैं और ना ही कोई इंसान, बल्कि वो भूत हैं और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए नदी की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ आ गया कि गांव वालों की सारी बातें सच थीं। वो भूत मुझे घसीटकर नदी के अंदर ले जाने लगा ताकि वो मुझे नदी में डुबाकर मार सके। अभी वो भूत मुझे नदी के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी मेरे ऊपर एक साथ तीन चार टॉर्च की लाइटें पड़ी जिससे वो भूत मुझे एकदम से छोड़कर हवा में धुआं हो गया। फिर जब वो टॉर्च की लाइट मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे पापा और दो तीन गांव वाले हैं। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती पापा को बताई तो पापा ने कहा, मैं खेत से काफ़ी पहले ही लौट गया था मगर मैं घर ना जाकर हरिया काका के घर चला गया था। तुम्हारी माँ को लगा कि मैं अभी तक घर वापस नहीं लौटा। फिर जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि तू मुझे ढूंढता हुआ खेत में आया है, तो मुझे तेरी काफ़ी चिंता होने लगी, इसलिए मैं दो तीन गांव वालों को लेकर तुझे ढूंढने निकल गया। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज से 20 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी
जिसके बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। उस समय हमारा गांव काफी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था और साथ ही साथ बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण अंधेरा होने के बाद ज्यादातर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे और उस समय हमारे गांव की आबादी भी काफी कम थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक बार मैं अपने गांव से दूर दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर गया था, तो वहां से निकलते निकलते मुझे काफी रात हो गई। मैं जिसके घर गया था उन्होंने मुझे काफी बार इतनी रात को ना जाने की हिदायत दी, मगर अगले दिन मेरे खेतों की धान की कटाई थी तो मेरा सुबह से ही वहां रहना बेहद जरूरी था, जिस कारण मैंने उनकी एक भी ना सुनी और अपने घर की तरफ चलता बना। उनके घर से बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। भला तो इस बात का कि मैं हर समय अपने साथ एक टॉर्च रखा करता था, तो मैंने झट से अपना टॉर्च जलाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहां से मेरा घर करीब 2 घंटे का रास्ता था, जिस पर मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। इतने घने अंधेरे को देखकर मैंने जब आसमान की ओर देखा तो पूरे आसमान में मुझे ना तो कहीं चांद दिखा और ना ही कोई तारा। आसमान का ये नजारा देखकर मैं समझ गया कि आसमान को घने काले बादलों ने पूरी तरह से ढक रखा है और किसी भी समय बारिश आ सकती है। तो मैं अब काफी चिंता में पड़ गया कि आखिर अब करूं तो करूं क्या। मैं अपने रिश्तेदार के घर से काफी दूर निकल आया था तो वापस वहां जाने का सोच भी नहीं सकता था। पूरे इलाके में सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मेरे चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी दिखी, तो उस बैलगाड़ी को देखकर मैं काफी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इतनी रात गए ये बैलगाड़ी इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। ये सोचकर मैं उस बैलगाड़ी के करीब गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी के पास बैठा हुआ है। उस आदमी को देखकर मैं समझ गया कि यही बैलगाड़ी वाला है। इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ बोलूं कि तभी उसने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? इस पर मैंने कहा, वो मुझे नीलपुर गांव जाना है। जिस पर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, मैं भी उधर ही रहता हूँ, आप बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस बैलगाड़ी वाले के इतना बोलते ही मैं चढ़कर उसकी बैलगाड़ी में बैठ गया, जिसके बाद उस आदमी ने भी बैलगाड़ी भगाना शुरू कर दिया। अभी बैलगाड़ी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तभी काफी तेज बारिश शुरू हो गई, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा हुआ अब मुझे बैलगाड़ी की सवारी मिल गई है तो अब भींगकर नहीं जाना पड़ेगा। अभी मैं अपने मन ही मन में सारी बातें बड़बड़ा ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस बैलगाड़ी वाले पर गई जो बारिश में भींगते हुए बैलगाड़ी चला रहा था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप बारिश में भींग क्यों रहे हैं, आप भी अंदर आ जाइए। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी के इस जवाब को सुनकर मैंने एक बात पर गौर किया कि इतनी तेज बारिश में भी वो आदमी थोड़ा सा भी नहीं भींगा था। मगर ये कैसे हो सकता है, वो आदमी तो इतनी तेज बारिश में बैठा हुआ है। इस बात के साथ ही साथ मैंने एक और बात पर गौर किया कि मेरे बैलगाड़ी में बैठने के बाद
बाहर की कुछ भी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। मगर ये कैसे हो सकता है, बाहर तो इतनी तेज बारिश के साथ ही साथ बादल भी गरज रहे हैं, तो मुझे उसकी आवाज कैसे नहीं सुनाई पड़ सकती। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोक दिया। तो अचानक बैलगाड़ी रुकने से मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने बैलगाड़ी क्यों रोक दिया? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ के इशारे से आगे दिखाते हुए कहा, सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, अब हम लोग इस रास्ते पर आगे नहीं जा सकते। मैंने जब उस आदमी के दिखाए गए इशारे की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, सच में सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। अभी मैं उस गिरे हुए पेड़ को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप चिंता मत करिए भाई साहब, मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। इतना बोलकर उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी को दाई ओर मोड़ लिया। तो बैलगाड़ी को दाई ओर मोड़ते ही हमारे सामने जंगलों से घिरा हुआ एक लंबा सा रास्ता था, जिस पर जंगल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी बैलगाड़ी उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ से आवाज आई, क्या बात है चंदन, आज अकेले अकेले खाओगे? अचानक इस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला कोई पेड़ के ऊपर से ये आवाज कैसे आ सकती है। कि तभी जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ पर दो आदमी अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठे हुए थे। मगर काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण मुझे उन दोनों आदमियों का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उनकी आंखें कुछ अजीब चमक रही थीं, जो अंधेरा होने के कारण मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अभी मैं ये सब देखकर काफी हैरान ही था कि तभी बैलगाड़ी वाले ने अपना सिर उस पेड़ की तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, अकेले अकेले नहीं खाऊंगा, तुम लोग भी आ जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मगर मुझे इतना जरूर समझ आ गया था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। कि तभी देखते ही देखते उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लिया, तो बैलगाड़ी को जंगल की तरफ जाता देख मैं एकदम से चौंक गया और चिल्लाकर बैलगाड़ी रोकने को कहा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बैलगाड़ी वाले पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी चिल्लाए जा रहा था। चिल्लाते चिल्लाते मैं उठकर उस बैलगाड़ी वाले के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बैलगाड़ी रोकने को कहा, मगर जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, किसी जिंदा इंसान का शरीर पारदर्शी कैसे हो सकता है। इतने में ही बैलगाड़ी रुकी। मैंने जब अपने आसपास देखा तो आसपास बहुत सारे जले हुए लकड़ी के ढेर पड़े हुए थे, यानी वो एक शमशान घाट था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ मुझे अपनी जान बचाने की भी पड़ी थी, जिस वजह से बहुत हिम्मत जुटाकर मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा और वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पाया कि मेरे पीछे वही दो लाल आंखों वाले आदमी खड़े थे, जिसे थोड़ी देर पहले मैंने पेड़ के ऊपर देखा था। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था। तभी वो लाल आंखों वाले आदमी मेरी ओर बढ़ने लगे। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर चढ़ गया कि मैं वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली
तो चार पांच लोग मुझे घेर कर खड़े थे जो उसी शमशान में लाश जलाने आए थे। मगर उस रात मेरे साथ हुआ क्या, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।